अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज 5 अप्रैल 2020 संडे का दिन है। अभी अभी कुछ अपडेट मिली थी तो सोचा कि अभी अभी ही आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो इससे पहले कि मैं अपडेट की तरफ बढ़ूँ, हर दफ़ा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को लाजिम दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक सबसे पहले गुड न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे हम कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो इन्फेक्टेड लोग थे उनमें से 125 लोग रिकवर हो चुके हैं, सेहतियाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहतियाब अता फरमाए और जो लोग अभी तक इन्फेक्टेड हैं उनको भी अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और मज़ीद जो लोग हैं उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके साथ ही दुबई स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा था, आपको मालूम होगा रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डिसइंफेक्शन ड्राइव चलती थी, तो अब उसको बढ़ा कर मज़ीद दो हफ्तों के लिए और 24 आवर्स उसका टाइम कर दिया गया है। अब वो राउंड द क्लॉक अपना काम करते रहेंगी और 2 हफ्ते तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि पहले मास्क हर किसी पे लाजिम नहीं था, लेकिन अब यह है कि अगर आप में सिम्टम्स हैं या नहीं हैं मास्क को लाजिम कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक और अपडेट ये है कि दुबई मेट्रो और ट्राम को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेट्रो और ट्राम को अगर बंद किया गया है तो उसकी जगह आपको बस सर्विस जो है उसको बिल्कुल से फ्री कर दिया गया है। अगर आपको कहीं जाना है तो फ्री जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्सी में सफ़र करना चाहते हैं तो उस पर आपको नॉर्मल फेयर जो है उस पर 50% डिस्काउंट होगा। ये कुछ अच्छे फैसले जो RTA ने किए, हमारी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सी एहतियाती तदाबीर में आला सतही फैसले किए हैं जिन्होंने, और अपने मायार को आला से आला बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बसेस, टैक्सी, मेट्रो, ट्राम, इवन हर चीज़ को स्टेलाइज किया जाता है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वायरस से जल्द हम सबको निजात अता फरमाए। आने वाले जो भी दिन हैं वो खुशी की नवीद लेकर आए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो, अपने हिफ्ज़ो अमान में हम सबको रखे। आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।